एक करोड़ के इनामी नक्सली मिसर बेसरा उर्फ सागर और पतिराम मांझी उर्फ अनल दस्ता के 8 सदस्यों ने आईजी रांची के कार्यालय में आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में जयराम बोदरा उर्फ चूरिया बोदरा, माईती सोनोवा, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा, सरिता उर्फ मुंगेली सरदार उर्फ सरिता सरदार उर्फ सानिता, रायजामा रायगनिया खरसावा, सरायकेला खरसावा, मार्तम अंदरिया कतम्बा गोलकेरा, पश्चिमी सिंहभूम सोमवारी कुमारी उर्फ टोनी आरहंगा, तमार रांची तुंगीर पूर्ति रिंग धातु बंगल साई टोंटो, पश्चिमी सिंहभूम पातरकोड़ा रिंग धातु टोंटो, पश्चिमी सिंहभूम कुसनू सिरका उर्फ कार्तिका सिरका बुलानी टोला डबलिंग हाटिंग बरबिल क्योझर ओडिशा व संजू पूर्ति उर्फ रोशनी पूर्ति, चिड़ियाबेड़ा टोला चटुदा मुफसिल पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा शामिल है। जयराम बोदरा और जूरिया के खिलाफ पश्चिम सिंहभूम के सोनवा थाना चक्रधरपुर गोयलकेरा कराईकेला व टेबो थाना में कुल 11 कांड दर्ज है। ये कांड हत्या रंगदारी धमकी और आगजनी से संबंधित है। महिला नक्सली सरिता उर्फ मुंगेली सरदार के खिलाफ टोकलो थाना परसावा व कुचाई में 6 कांड दर्ज है। सभी कांड आर्म्स एक्ट पुलिस पर हमला आदि से संबंधित है। आज 4 जनवरी 2023 को नक्सल उन्मूलन अभियान में कार्यरत झारखंड पुलिस एवं सीआरपीएफ के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन पिछले वर्ष चाईबासा जिला में ही हमारे 2 साथी नक्सलियों के द्वारा किए गए कायराना हमले में शहीद हुए थे और ये वही क्षेत्र है जिस क्षेत्र में भाकपा माओवादी के शीर्षस्थ जो संगठन के नेता है मिसिर बेसरा जो 1 करोड़ की इनामी है या अनलदा या अन्य अभी ऐसे कई जो उनके शीर्षस्थ नेता है उनका ये गढ़ माना जाता था। तो सबसे पहले हम अपने जो साथी इसी वर्ष पिछले साल जो शहीद हुए थे उनको नमन करते हुए आज हम आप लोगों के सामने ये बताना चाहेंगे कि उस क्षेत्र में और खासकर पूरे झारखंड में झारखंड को नक्सल मुक्त करने के लिए हमारे मुखिया पुलिस महानिदेशक महोदय के नेतृत्व में और उनके दिशा निर्देशन मार्गदर्शन में झारखंड पुलिस झारखंड में कार्यरत सीआरपीएफ के बल अन्य केंद्रीय अर्धसैनिक बल विशेष बल जैसे कि कोबरा झारखंड जगवार और हमारी जो अन्य एजेंसीज है उनके द्वारा एक निर्णायक लड़ाई प्रारंभ की गई है। उसी लड़ाई में और खासकर उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में हमारे 2 साथी पिछले वर्ष आज ही के दिन शहीद हुए थे उस क्षेत्र से नक्सलियों के पांव उखाड़ देने के लिए एक निर्णायक लड़ाई प्रारंभ की गई और उस लड़ाई के सार्थक परिणाम आज हमारे सामने में आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों पूर्व जो प्रेस वार्ता हुई थी उसमें मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था इस अभियान में पुलिस को निरंतर सफलताएं प्राप्त हो रही है एवं इस लड़ाई में अभी तक कुल 1300 से ऊपर उग्रवादियों को गिरफ्तार करने में पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को सफलता मिली जिसमें कि 1 करोड़ की इनामी पॉलिट ब्यूरो मेंबर के साथ साथ सेंट्रल कमेटी मेंबर जोनल मेंबर्स रीजनल कमेटी मेंबर्स एरिया कमांडर्स इस तरीके के कुल 106 इनामी उग्रवादी जिन पर कुल 2 करोड़ से ज़्यादा इनाम घोषित था वैसे उग्रवादियों को
गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई। साथ साथ जो सटीक अभियान चलाए जा रहे हैं, आसूचना आधारित अभियान चलाए जा रहे हैं, उन्हें भी काफ़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त हुई है। और अभी तक हम लोग 3 वर्षों में 31 उग्रवादियों को मुठभेड़ के क्रम में मार गिराने में सफल हुए हैं। उन पर भी 44 लाख के इनाम सरकार के द्वारा घोषित किए गए थे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।